शुक्र है कि मोदी जी की सीट 300 से नीचे रह गई। अगर मोदी जी की सीट 300 से ऊपर आती ना, तो ये जो मोहन भागवत जी नसीहत दे रहे हैं ना, इस संघ पर रिसीवर बैठा दिया जाता। अभी भाजपा में एक ईमानदार और चरित्रवान मुख्यमंत्री है प्रदेश के अंदर, माननीय योगी जी। क्या बात है, योगी जी के बाद पूरा प्रदेश आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। मुझे 2013 का दंगा था कवाल का, मुजफ्फरनगर का, इसी की तो परिणति थी कि मोदी जी वहां बैठे। प्रदीप चौधरी नहीं आ रहे वहां से, भाजपा हारी है और भाजपा का अहंकार आ रहा है। ठीक, प्रदीप चौधरी हर तो ये क्या है, ये हैं यहाँ से उठा दे। 16 सीट और ऐसी हैं, भाजपा को 32 तो सीट मिली, 32 मिली ना, 16 सीट और ऐसी हैं जो भाजपा हारनी थी। भाजपा को तो 16 ही सीट मिलनी थी प्रदेश में। विषमपिता मैं हो चुकी है क्या? क्या ये आज का संघ विषमपिता महा हो चुका है कि जो केवल राज गद्दी से बंधा हुआ नजर आ रहा है, ये कहना चाह रहे हैं मास्टर सुशील जी? बिल्कुल, बिल्कुल अपने विश्लेषण में बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ। हाथ बंधे पड़े हैं, बिल्कुल बंधे पड़े हैं, विदुर की तरह बाहर नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे। बेहतर विकल्प क्या मानते हैं देश के लिए? देखो ये तो मैं तो ये कहूंगा कि ऊपर वाले ने जो किया करता है वो ठीक ही करता है। शुक्र है कि मोदी जी की सीट 300 से नीचे रह गई। अगर मोदी जी की सीट 300 से ऊपर आती ना, तो ये जो मोहन भागवत जी नसीहत दे रहे हैं ना, इस संघ पर रिसीवर बैठा दिया जाता। अभी आज मोदी जी ढलान पर हैं, मैं साफ कहूंगा ढलान पर है, जहां से मैं देख रहा हूँ आज मोदी जी ढलान पर हैं, इसलिए मोहन भागवत बोल रहे हैं। 2013 के दिसंबर में जब मोदी जी को प्रोजेक्ट कर दिया गया था एज ए प्राइम मिनिस्टर, तब किसी बड़े पत्रकार की भेंट हुई थी मोहन भागवत जी से। मोहन भागवत जी से उन्होंने सवाल किया था, क्या गुजरात में मोदी जी को आपने कंट्रोल किया कि नहीं, नहीं कर पाए? कि यहाँ कर पाओगे? हाँ यहाँ कंट्रोल रखेंगे। क्या कर पाया संघ? आज मोहन भागवत जी को मणिपुर याद आया? मणिपुर में संघ पिछले 25 साल से काम कर रहा है, बोले मोहन भागवत जी। नॉर्थ ईस्ट में संघ पिछले 25 साल से काम कर रहा है। क्या कर रहा है संघ वहां 25 साल से? क्या यही कर रहा है? सरकार डबल इंजन की, मणिपुर में सरकार किसकी है? भाजपा की। केंद्र में सरकार किसकी है? भाजपा की है। क्यों प्रधानमंत्री जी नहीं जा रहे? क्या 143 सांसदों को संसद से बाहर निकाल के आपने जो है बिल पास करा लिए? क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या जब नहीं भागवत जी को समरसता नजर आई, जब नहीं उन्हें प्रतिपक्ष और विपक्ष मंत्र नजर आया? देश देखो, एक बात सुनो अनुज भाई, जनता एक एक्सरे मशीन है, फिल्टर करती है जो सब चीजों का एक्सरे करती है, ये छोड़ेगी। हम आम आदमी है ठीक, लेकिन सब समझता है। अब ये वर्ग जो है ना, जो देश की 52% आबादी का लिखित में प्रतिनिधित्व करता है, क्यों जो है जनगणना नहीं कराई जा रही जाति आधारित? 1931 के बाद, 1931 आजादी से पहले कभी, जब पाकिस्तान भी यही था, सब कुछ यही था, बांग्लादेश भी है, उसके बाद क्यों उन्हीं डाटा पे हमारा आरक्षण दिया जा रहा है? हालात बदले हैं, जनसंख्या बदली है, क्षेत्र बदला है। बिहार में कराई गई है, देखो ना क्या है डाटा, क्यों 2011 के ही आंकड़े रिलीज नहीं किए केंद्र सरकार ने? मोदी जी ने यूपी में 27 रैली करी और 4 रोड शो किए, कितनी सीट जीता पाए? केवल 13। ठीक, तो ये तो उन्हें सोचना है। भारत रत्न दिएंगे रेवड़ी की भांति, काम नहीं आए। भारत चुनाव से पहले जिस तरह से ये इतिहास रहा है हिंदुस्तान के, जाए कभी भारत रत्न इतने नहीं दिए गए, उसके भी एक मानक थे। आपको मैं मानना, आपको मैं कुछ याद दिला दूं जी, 2009 में भी भाजपा आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोकदल साथ साथ थे, तब भी यहाँ यही रिजल्ट आए थे 2009। और फिर 15 साल बाद 2024 में भाजपा आरएलडी साथ साथ हैं, फिर वही रिजल्ट आए। इतिहास अपने आप को दोहरा। ठीक, लेकिन जहां लोकदल की सीट थी वहां रिजल्ट आएगा? क्या बात है, पूर्वांचल में तो यादव डोमिनेटिंग है, पश्चिमांचल में केवल जाट लैंड है बस, और कोई रहता ही नहीं यहाँ जाट के अलावा। उधर यादव रहते हैं, बस यूपी के दो हिस्से हैं, इधर जाट रहते हैं। कौन सा लगा?
पता नहीं रेबैन का है या कहीं का है, ये तो ये जाने कौन सा चश्मा इन्होंने लगा रखा है। सावन वाला तो नहीं है? हाँ हो सकता है सर, हरियाली वाला। हाँ सत्ता का चश्मा ऐसा ही होता है, दिखाई नहीं देते, हकीकत बहुत कड़वी। क्या बात है कि पार्टी का आधार क्या है? कार्यकर्ता। कार्यकर्ता अगर संगठन की बैठक में कोई दर्द जाहिर करता है तो उसे ये कहता है नेतृत्व तो, कि बैठिए कोई नेगेटिव बात मत करो। जब आप कार्यकर्ता की नहीं सुनोगे तो कार्यकर्ता कैसे वोट दिलाओगे? वो तो आपकी आंखें हैं, एक बड़ा तो आपको दर्पण है। एक बड़ा नाम चला पन्ना प्रमुख, बहुत बड़ा नाम चला पन्ना, देश देश ने दुनिया की कई यूनिवर्सिटियों में उस पर डिस्कशन हुआ पन्ना प्रमुख, वो हमें कहीं दिखाई नहीं दिया 2024 के चुनाव में, ना कहीं पर्ची दिखाई पड़ी, ना पन्ने दिखाई पड़े, ना प्रमुख दिखाई पड़े। क्यों? उनकी सुन नहीं रहा। भाजपा में एक ईमानदार और चरित्रवान मुख्यमंत्री है प्रदेश के अंदर, माननीय योगी जी। क्या बात है, योगी जी के बाद पूरा प्रदेश आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। बड़ी बात कर रहे हैं आप, इतनी बड़े चरित्रवान करेक्टर, सन्यासी बिना जेब के, ईमानदार आदमी, जीवन में कभी जेब देखी भी नहीं हो, चरित्रवान आदमी, तकत पे लेटने वाले, और उनके बाद जो कुछ है सब आकंठ भ्रष्टाचार में, किसी भी भाग में। वजह क्या मानते हैं आप? किसी भी भाग में चले, वजह क्या मानते हैं? वजह क्या मानते? दिल्ली और लखनऊ की दूरी, दिल्ली और लखनऊ की अपेक्षाकृत जो रिजल्ट आने चाहिए, जनता की जन अपेक्षा जो 2014 में बनकर आएगी, मोदी जी आएंगे, 17 में योगी जी आएंगे, बहुत, क्योंकि 17 में तो आप खुद मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से बहुत सारे कारनामे ऐसे रहे हैं। हाँ, और या तो उन्होंने साइकिल बांटी तो चश्मे से बांटी है। इस प्रदेश का शमशान में, अगर शमशान में और कब्रिस्तान में फर्क महसूस कराया तो उन लोगों ने कराया, हालांकि बाहिष्कृत पत्रकार, लेकिन सच्चाई वही है। उस चीज को लेकर जो अपेक्षाएं थी 2017 में, जो योगी जी आए, भाजपा आई, उसके बाद में लगा कि हाँ कुछ ना कुछ बदलाव होने वाला है, लेकिन जब आज हम जो है 2024 के बाद में बात कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, आपके इंटरव्यू के माध्यम से कुछ बातचीत हो रही है, तो आप मान रहे हैं कि यहाँ तक अकंठ पड़ी है। और योगी जी के नाम पर तो और कड़ा भ्रष्टाचार है, मुझे पता नहीं सरकार किसकी है। निस्ता नबूद हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे, डरा के है ये हालत है। क्या कहोगे सर? हाल फिलहाल में विकल्प क्या बचता है? नहीं, विकल्प तो अपने आप पैदा हो जाते हैं। देखिए बीजेपी कमरे वो दिन याद आ रहे हैं कि जब जय आडवाणी जी कार सेवक निकालते हैं, पूरे देश भर में जा जाके अटल आडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, आपने सुने होंगे, खूब सुने होंगे नारे, जाए अपेक्षा है, जन अपेक्षा है। कांग्रेसकरण जो था, कांग्रेसीकरण था, पूरे हिंदुस्तान को खत्म करने के लिए लोगों के विकल्प के रूप में, बड़े मजबूत विकल्प के रूप में भाजपा लेते, लेकिन जैसे ही बीजेपी 2014 में आती है, मोदीकरण हो जाता है, मोदी उदय हो जाते हैं, तो जो जो पुराने थी, पुरानी भाजपा जो थी, इस प्रदेश का अनुज भाई दुर्भाग्य, इस प्रदेश का दुर्भाग्य रहा कि जब हमारी बहन जी यहाँ चीफ मिनिस्टर रही जी, तब जो रूलिंग कम्युनिटी थी उसने जाजतियां, उसकी जाजतियों से तंग होके लोगों ने 2012 में जो है अखिलेश यानी समाजवादी को बुलाया, केवल इसलिए कि बेहतर विकल्प मिलेगा। ठीक नहीं, उसका जो आधार वोटर था वो नहीं था जिन्होंने उसको वोट दिया, नहीं वोटर आधार वोट नहीं था, वो सही कह रहे आप, सब ने वोट दिया इसलिए कि रूलिंग कम्युनिटी की जाजतियों से बचा जा सके, उन्होंने जाजतियां करी। ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। अखिलेश जी आगे 12 से 17 तक उस सरकार में हमारे माइनॉरिटी के लोग और रूलिंग कम्युनिटी, समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा, माइनॉरिटी प्लस रूलिंग कम्युनिटी, उन्होंने जाजतियां इतना करी कि लोग फिर तंग हो गए। ये आ जा फिर 2014 में, ये जो 2013 का दंगा था फवाल का, मुझे नगर का, इसी की तो परिणति थी कि मोदी जी वहां बैठे, इसी की तो परिणति थी। देखो ये भारत का लोकतंत्र एक समुदायों का लोकतंत्र है, इसे समझ लें लोग, समुदायों का लोकतंत्र है, ये सामुदायिक लोकतंत्र है। क्या मुस्लिम समुदाय ने वोट दिया भाजपा को? नहीं दिया। क्या पासी ने दिया? नहीं दिया। क्या दलित ने दिया? नहीं दिया। ठीक, क्या जाट ने दिया? नहीं दिया। तो समुदाय तय करते हैं, इन सब समुदायों को यानी कि गैर यादव बैकवर्ड क्लास को 2014 में
इन्हें जो है धार्मिक लोकतंत्र में बदल दिया गया था। ये सब धर्म के आधार पर हिंदू हो गए थे, इसलिए भाजपा को रिजल्ट मिला। ये अब फिर इन्हें समझ आएगा कि धर्म से जो है, विवेकानंद जी ने कहा कि मैं उस धर्म को नहीं मानता कि हाथ में धर्म ग्रंथ पकड़ा के और पेट खाली हो। तो इन सबके पेट खाली है, इनके हाथ में धर्म ग्रंथ दे दी, धर्म ध्वज फहरा रही इनके घर पे, पेट इनके सबके खाली है, तो इसलिए वापस मंडल की तरफ जा रहे हैं और ये रुकेगा नहीं किसी से। 5 किलो अनाज भी काम नहीं आ रहा, नहीं आने का नहीं। 2000 रुपए के सम्मान, आने वाली पीढ़ियां 2000 रुपए की सम्मान निधि, आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगे? मैं कह रहा हूं 2000 रुपए की सम्मान निधि, क्या होता है 2000 रुपए? एक बात और पूछ, उज्ज्वला योजना, एक बात और पूछ लो, प्रदेश में बिजली मंत्री कौन है आजकल? मुझे नहीं पता क्या कारण है कि चुनाव के दौरान बिजली कटौती हुई, केवल 6 घंटे बिजली आई, चुनाव खत्म हुए फिर अब बिजली बढ़ गई। ये उठाया किसी ने सवाल? मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं नोट करता हूं, पिछले 10 दिन से नोट कर रहा हूं, बहुत बढ़िया बिजली आ रही। मैं कल गांव में था तो मैं कह रहा था भाई 6 बज गए बिजली नहीं भाग रही, अभी जब नहीं भाग रही 10 दिन से चुनाव के दौरान, उस समय बीत गया चुनाव वाला समय, सरकार बिजली इनकी, सरकार इनकी, पता नहीं क्या खेल है, हमारी समझ में नहीं आ रहा खेल। अरे कोई कमी पड़ रही थी तो बिजली खरीद लेते चुनाव के दौरान, अब किस किस पर सवाल उठा तो पीक पीक पीरियड था तो किस किस पर सवाल उठा, किसकी इंटेग्रिटी को चेक करें हम? हमने तो कर दिया बोलो। रही बात कह रहा ना जी, जिस दिन जयंत चौधरी भाजपा में LI हो गए थे, गठबंधन कैंडिडेट को पसीने आ रहे थे, तो कह रहे थे दुर्भाग्य है हमारा कि हमें ऐसी स्थिति में चुनाव लड़ना पड़ रहा है। जयंत निकल गए, जयंत मजबूत थे हमारे साथ में, बिल्कुल सही कह रहे आप। ठीक कह रहा ना कि बड़ी प्लेटफॉर्म 11 लाख वोट वहां जो है मेजोरिटी का है, माइनॉरिटी का 6 लाख वोट, और 11 लाख वोट मेजोरिटी का होने के बाद, डबल इंजन की सरकार होने के बाद, विस्तारक प्रचारक भूपेंद्र सिंह, फला सिंह, इतने विधायक, इतने, फिर भाजपा कहीं पाई नहीं, प्रदीप चौधरी नहीं आ रहे वहां से, भाजपा आ रही है और भाजपा का अहंकार आ रहा है। ठीक, प्रदीप चौधरी हर तो ये क्या है, ये प्यादे हैं, यहां से उठा के यहां रखती। अगर भाजपा ईमानदारी से समीक्षा करेगी तो उसे बलि लेनी पड़ेगी, और भाजपा ना सरकार ना संगठन इस स्थिति में है नहीं कि बलि ले सके, संभव ले सके। और मोदी जी की तो स्थिति ये हो रही कि उन्हें तो यही नहीं समझ में आने का कि हम हारे क्यों, क्योंकि उन्हें तो एक तरफ नीतीश कुमार दिख रहे, एक तरफ नायडू जी दिख रहे। नायडू जी कहते हैं मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छे नेता है विश्व के। नायडू का लड़का कहता है कि हमने घोषणा पत्र में 4% आरक्षण लिख रखा मुस्लिम के लिए, और LI ने अप्रूव कर रखा, कहां देना, हम उसे देंगे। माननीय मोदी जी पूरे देश में घूमते रहे कि कांग्रेस मुस्लिम को आरक्षण देगी, मुस्लिम को आरक्षण देगी, तो मोदी जी की स्थिति है ही नहीं समीक्षा करने की। वो तो आजकल मोर डिपेंडेंट हो गए किस पर, अमित शाह पर। लोगों का यह आकलन था कि अमित शाह इस सरकार में कमजोर होंगे, मेरा आकलन यह है कि अमित शाह और मजबूत होंगे इस सरकार में। लड़ाई क्या मानते हैं जी, इंटरनल लड़ाई क्या मानते हैं आप किस? अभी आपने जिनका नाम लिया है, लड़ाई क्या मानते हैं आप, किन से लड़ाई है उनकी? उनसे कोई लड़ाई नहीं, वो तो एक दूसरे के पूरक है, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी। नहीं, मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो BJP में लड़ाई चल रही है, आपको लगता है कि वो ऐसे अभी आपने नाम लिया कि डाउनफॉल पर जाएंगे, नहीं गए, कोई अंदर से लगता है कि अंदर कला जो बहुत प्रभावी हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो सीटें आ रही है, जो रिजल्ट उत्तर प्रदेश से आया है, पूरी पूरी मंडल हार जा रहे हैं इस बार उत्तर प्रदेश, तो ऐसे में तमाम जो पूरे, हालांकि मैं संविधान, राहुल बाबा का संविधान भी, बाबा साहब का जो संविधान लेकर राहुल बाबा घूमे, उसका भी बड़ा असर इस चुनाव में रहा है, देखने में आया है कि 400 पार। अब उन्होंने ही तो कहा, भाजपा के लोगों ने ही तो कहा कि बुलाए गए इसलिए जरूरी है, उन्होंने ही तो कहा जी। अगर मैं और आगे की बात करूं थोड़ी सी गहराई की, तो 16 सीट और ऐसी हैं, भाजपा को 32 तो सीट मिली, 32 मिली ना, 16 सीट और ऐसी हैं जो भाजपा हारनी थी। भाजपा को तो 16 ही सीट मिलनी थी प्रदेश में, क्यों हारनी थी? आप आकलन ले लो ना उठा के, 16 सीट और भी ऐसी हैं
जो बहुजन समाज पार्टी को मिले वोट से कम वोटों से जीती गई। अभी आज एक बयान आया था कि काश बहुजन समाज पार्टी या बहनजी हमारे साथ होती 16 सीट वो जीत जाते। आपका अभी सारा कहने कहीं उसी तरफ है कि जय गठबंधन में बहन जो चलो तो एक राजनीतिक एम्बिशन है कि मैं ऐसा होती, लेकिन मैं तो तथ्यों पर बात कर रहा ना, जो हो चुका मैं तो उस पर बात कर रहा। 16 सीट ऐसी है कि बहुजन समाज पार्टी को अगर 20,000 वोट मिली है तो भाजपा वहां 17, 16, 15, 11,000 वोटों से जीती है, तो वे 16 और घटा दो तो भाजपा को क्या मिलता। हाँ लमसम पे टिकी हुई है, ठीक है ना, ये है 27 आ रहा है और स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। स्थिति तो बेहतर होगी भी नहीं, जिन लोगों को आप अपराजेय समझते हैं वो कल ही खुल गई। अब मोदी जी खुद ही कहते हैं कि मैं अनबायोलॉजिकल हूं, भाजपा के कई सारे प्रवक्ता कहते हैं कि माननीय मोदी जी जो है अवतार हैं। अब क्या कहोगे बताओ, क्या मानते हैं मास्टर सुशील जी, क्या मानते हैं प्रवक्ताओं से यह कहने की सहमत हैं या उनकी अपनी मजबूरी है, क्योंकि काल के अवतार तो होने वाला, हो सकता है चुनाव के बाद नहीं कहा किसी ने कि मोदी जी अवतार है। हम नहीं कह रहे, अब न मोदी की गारंटी है न मोदी की सरकार है। मोहन भागवत जी उस दिन क्यों नहीं बोल रहे थे जिस दिन सरदार पटेल स्टेडियम को रातों रात बदल के नरेंद्र मोदी दामोदर दास स्टेडियम कर दिया गया था। क्या पटेल साहब से बड़े हैं मोदी जी? 565 रियासतों को बनकाने की हिम्मत रखते हैं तो एक नाम हो सकता है दुनिया में, सरदार वल्लभ भाई। बिस्मार्क भी जर्मनी के थोड़े से हिस्सों को जो है कंसोलिडेट कर पाया था, एक नाम हो सकता है। हैदराबाद के प्रधानमंत्री जो थे कासिम रिजवी, उन्होंने पटेल साहब को कुछ ऐसे कह दिया था कि आप सरदार होंगे दिल्ली के, यहाँ के नहीं, बैठे नहीं थे, उठ के चले आए थे। और 13 सितंबर से 17 सितंबर तक 4 ही दिन में उसे औकात बता दी थी, वो थे पटेल साहब। और उनका नाम हट गया क्या? मोहन भागवत जी को दिखाई नहीं दिया क्या? इस देश के जनमानस को दिखाई नहीं दिया क्या? इस देश के जनमानस ने मान लिया कि सरदार पटेल से बड़े हैं मोदी जी? मैं नहीं मानता कि मोदी जी सरदार पटेल से बड़े हैं, सरदार पटेल की धूल के बराबर भी नहीं है मोदी जी। पटेल की ऊंचाई खुद गांधी ने कहा था कि हिमालय से ऊंची है, नहीं तस्वीर तो बहुत बड़ी बना दी है पटेल की ऊंचाई। मास्टर सुशील जी ने देख ली है तस्वीर से, नहीं पटेल साहब का वर्णन किया जा सकता। गांधी जी ने खुद कहा है कि पटेल साहब की ऊंचाई हिमालय से ऊंची है। लोह पुरुष का मूर्ति हिमालय से ऊंची तो नहीं है ना? लोह पुरुष का तो मतलब ये निकल के आ सकता है कि जो लोहे से भी कठोर हो तो हिमालय हो सकता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो सकते। मोहन भागवत जी जब क्यों नहीं बोले? क्या देश का जनमानस मान चुका कि मोदी जी बड़े हैं पटेल साहब से? इसका मतलब यही है आप मान रहे हैं इस बात को, आप स्वीकार करो कैमरे पर कि पटेल साहब बड़े हैं कि मोदी जी बड़े हैं? नहीं वो तो जो आप ऐसे कहलवाना चाह रहे हैं वो खुद आप कह रहे हैं। हाँ पटेल साहब ही और मेरे 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 तो आपने कहा कि चरणों की धूल है ही नहीं, मैं तो मैं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पटेल साहब के 100 जन्म मैं जन्म लूँ तो भी संभव नहीं है कि चरणों की धूल उनके जैसे लोगों की हम बन जाए। वो तो देवता जागृत देवता थे। तो ये तो अनुज जी ये तो दौर होता है, मोदी जी का दौर था चला गया, अब वो ढलान पर है और मोहन भागवत जी इसीलिए नसीहत दे रहे हैं कि आज वो ढलान पर है और आने वाले 5 विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र झारखंड दिल्ली बिहार और हरियाणा, ये 5 विधानसभाओं के झारखंड ये मोदी जी का भविष्य तय करेंगे और 9 विधानसभाओं के उपचुनाव उत्तर प्रदेश में ये योगी जी का भविष्य तय करेंगे। हालांकि ये भी बता दूंगा आज संघ की पहली पसंद उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही है। आपकी भी पहली पसंद है? हाँ एज ए चीफ मिनिस्टर और ईमानदार और चरित्रवान आदमी, अखंड भ्रष्टाचार नहीं रोक पाए यूपी में, वो दिल्ली और लखनऊ के बीच दिल्ली, की दिल्ली में रोक पाएंगे? एक और गड़बड़ है केंद्र में रोक पाएंगे, वो एक देश भर में रोक पाएंगे, वो एक जो है प्रश्नवाचक मैं नहीं लगा रहा हूँ, आपने कहा कि वो चरित्रवान है, करेक्टर पे मैं मानता हूँ सन्यासी है, चरित्रवान बंदे ने जेब देखी नहीं, जेब क्या हो सकती है, पॉकेट क्या होता है उन्हें पता नहीं है,
सादा जीवन, या तो जो लाल बहादुर शास्त्री ने चित्रित किया था, या तो जो योगी जी हमारे बीच में कर रहे हैं, लेकिन आप खुद भी कह रहे हैं कि अखंड भ्रष्टाचार, देश में अखंड भ्रष्टाचार, केंद्र में कैसे आप देखो उसके साथ में ये भी मानता हूँ कि यहाँ उन्हें फुल हैंड नहीं दिया जा रहा है, नहीं यहाँ फुल हैंड नहीं दिया जा रहा है, अगर उन्हें वन हैंड दिया जाता तो ये स्थिति ना होती। मैं ये भी कह रहा हूँ, मैं अभी तो कह रहा कि बिजली मंत्री कौन है मुझे नहीं पता कौन है, ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं कल ही मेरे दिमाग में बात आई कि चुनाव के दौरान 6 घंटे बिजली आई और अब बिजली शाम को 6 बजे तक चलती है। मैं ये भी तो कह रहा हूं ना, और कोई सवाल हो तो बताओ। चलिए पोषक चर्चा करने के लिए और सोच चर्चा करने के लिए, और जिस तरीके शैली में आपने चर्चा की है, कहीं ना कहीं लगता भी है कि जय विश्लेषण आपका, जय जो आपका विश्लेषण निकल के आया उस पर कहने की सोचपन से विश्लेषण करना चाहिए बड़े दल को। और इस रिजल्ट के बाद में जो है तो तमाम चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। मनोज जी बहुत धन्यवाद, और शेष चर्चा आपसे जो है आगे भविष्य में जाएंगी। अच्छा, हमारी शुभकामनाएं बहुत सारी। जय हिंद, जय भारत। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।